नमस्कार बच्चों, हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर और टेस्टिस के और मेल जेनिटल डक्ट्स के बारे में एक जनरल आइडिया देखा था। अब हम इनको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको फिशेस में टेस्टिस का स्ट्रक्चर बताया था, तो अगर हम फिशेस में इसको देखें तो इलास्मोब्रांच, जिसका कि स्कॉलोडॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है एग्जाम्पल, उसमें पेयर्ड सिमेट्रिकल टेस्टिस होती हैं। अब आप इसको एग्जाम्पल के साथ साथ डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए, इलास्मोब्रांच में पेयर्ड सिमेट्रिकल टेस्टिस हैं, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं और पेयर्ड हैं, ये दोनों टेस्टिस वन वन पेयर हैं इनका, देखिए इस तरीके से। ओके, दूसरी बात, दे आर सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द सीलोम, सीलोम के एंटीरियर एंड पर होती हैं ये, देखिए यहाँ पर एंटीरियर एंड पर हैं सीलोम के। जो राइट टेस्टिस है दैट इज लार्जर देन द लेफ्ट वन, राइट टेस्टिस लेफ्ट वन से बड़ी होती है। दे आर रफली ओवल और इलोंगेटेड इन शेप, अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ी सी लंबी सी हैं और इलोंगेटेड हैं, या फिर आप इसको अंडाकार भी कह सकते हैं, रफली ओवल और इलोंगेटेड इन शेप। डिप्नोई में जो टेस्टिस हैं दे आर एनक्लोज इन अ मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, डिप्नोई में जो टेस्टिस हैं दे आर एनक्लोज इन द मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू में होती हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। और टेस्टिस बिकम एक्सट्रीमली लार्ज ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन के समय पर जो टेस्टिस हैं वो अपना साइज काफ़ी बढ़ा लेती हैं। ओके, सो ये पहला जो एग्जांपल है दैट इज इलास्मोब्रांच का है, जिसमें आप पेयर टेस्टिस देख सकते हैं जो सिमेट्रिकल हैं, एंटीरियर पोर्शन पर हैं, और ये इलोंगेटेड हैं या ओवल स्ट्रक्चर में हैं। राइट टेस्टिस जो है वो लार्जर है, लेफ्ट टेस्टिस स्मॉलर है। और दूसरी बात, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है डिप्नोई का, डिप्नोई जो फिश है उसमें, डिप्नोई फिशेस में जो टेस्टिस हैं वो एक मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू में इनक्लोज हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनमें एक आसपास एक कितना सारा मास है लिम्फॉइड टिश्यू का, फैटी टिश्यू का। और उसके बाद टेस्टिस का इसमें एक फीचर ये इम्पॉर्टेंट है कि टेस्टिस बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दी एम्फीबियंस, अब हम एम्फीबियंस के बारे में देखें अगर, तो एम्फीबियंस की जो टेस्टिस है उसमें आप ये देख सकते हैं कि शेप ऑफ द टेस्टिस जो है दैट इज इफेक्टेड बाय द बॉडी फॉर्म ऑफ द एनिमल इन लिम्बलेस अपोडेंस, हर टेस्टिस जो है दैट रिजेंबल्स एन इलोंगेटेड सेगमेंट चेन, ईच टेस्टिस रिजेंबल्स एन इलोंगेटेड सेगमेंटेड चेन। टेल्ड एम्फीबियंस जो हैं या टेल्ड जो हैं दैट इज यूरोडेला में शॉर्टर और इरेग्युलर इन आउटलाइन होती है टेस्टिस, एन्यूरन्स में ये शॉर्टर होती है, इरेग्युलर इन आउटलाइन होती है, और फ्रॉग में, यूरोडेला में सॉरी, इन टेल्ड यूरोडेला में दे आर शॉर्टर एंड इरेग्युलर इन आउटलाइन, पर एन्यूरन्स में जैसे कि फ्रॉग में ये ओवल होते हैं या राउंडेड होते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओवल हैं या राउंडेड हैं इन शेप में। ये तो हो गया टेल्ड एम्फीबियंस के बारे में, टेल्ड एम्फीबियंस में तो शॉर्टर हैं, और एन्यूरन्स में जैसे कि फ्रॉग्स हैं उनमें ये ओवल होते हैं या राउंडेड होते हैं इन शेप में। ओके, दूसरी बात, एम्फीबियंस में टेस्टिस जो हैं दे आर जनरली एसोशिएटेड विद फैट बॉडीज़, यहाँ पर ये टेस्टिस एम्फीबियंस में फैट बॉडीज़ के साथ एसोशिएटेड होती हैं, और जो टेस्टिस का साइज़ है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन इट बिकम्स रिलेटिवली मच मोर देन द नॉन ब्रीडिंग सीजन। अगर हम नॉन ब्रीडिंग सीजन में देखें, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है ब्रीडिंग का, तो ब्रीडिंग सीजन में टेस्टिस का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, और नॉन ब्रीडिंग सीजन में इनका साइज़ बिल्कुल छोटा सा रहता है, नॉर्मल सा रहता है, नॉमिनल सा रहता है। ठीक है, तो ये अब आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो टेस्टिस हैं एम्फीबियंस में ये कैसी हैं, ये इनकी जो शेप है दैट इज़ अफेक्टेड बाय द बॉडी फॉर्म ऑफ द एनिमल। लिम्बलेस एम्फीबियंस में जो टेस्टिस हैं दे रिजेंबल एन एलोंगेटेड सेगमेंटेड चेन, और अगर हम उसमें देखें जो टेल्ड एम्फीबियंस हैं उनमें ये शॉर्टर हैं, इरेग्युलर हैं, और एन्यूरन्स में दे आर ओवल और राउंडेड इन शेप। ठीक है, एम्फीबियंस में टेस्टिस हमेशा ज़्यादातर लिम्फॉइड टिश्यू या फैट बॉडीज के साथ एसोसिएटेड रहती हैं। साइज ऑफ द टेस्टिस ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन इज एक्सट्रीमली लार्जर और रिलेटिवली मच मोर देन द नॉन ब्रीडिंग सीजन। एम्ब्रियोनिक टेस्टिस ऑफ एन्यूरन्स जो है दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एंटीरियर जो ब्रीडिंग ब्रीडर्स ऑर्गन होता है एंटीरियर, और एक पोस्टीरियर कॉडल पोर्शन होता है। ठीक है, एम्फीबियंस में जो टेस्टिस है, एम्ब्रियोनिक टेस्टिस जो होती है, ये दो पार्ट्स की बनी होती है, एक तो एंटीरियर ऑर्गन होता है
जो बिडर्स ऑर्गन कहलाता है, और एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है जो कॉडल पोर्शन कहलाता है। जो बिडर ऑर्गन है दैट इज़ यूजुअली डिसअपियर हो जाता है एंड द कॉडल पोर्शन बिकम्स द फंक्शनल टेस्टिस ऑफ द एडल्ट। जो एंटीरियर पार्ट है दैट इज़ बिडर्स ऑर्गन, ये डिसअपियर हो जाता है एज ए डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, और जो कॉडल पोर्शन है दैट बिकम्स द फंक्शनल टेस्टिस ऑफ द एडल्ट। एडल्ट मेल में, एडल्ट मेल टोड्स में जो बिडर ऑर्गन है दैट परसिस्ट एंड कंटेन्स लार्ज अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो ये आपको तरह तरह के इनमें डिफरेंस वो मिलेंगे, अडल्ट उसमें क्या होता है, मेल फ्रॉग्स में क्या होता है, टोड में क्या होता है। टोड में जो बिडर ऑर्गन है वो परसिस्ट कर जाता है और इसमें लार्ज अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स रहते हैं। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ रेप्टाइल्स। अगर हम रेप्टाइल्स की टेस्टिस की बात करें तो आप ये देखेंगे कि रेप्टाइल्स में जो टेस्टिस है वो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी शेप, रेप्टाइल्स में भी टेस्टिस राउंडेड हैं या ओवल हैं या फिर इलोंगेटेड हैं या पायरीफॉर्म हैं शेप में, ठीक है। स्नेक्स और लिजर्ड्स में एक टेस्टिस जो है दैट लाइज फादर फॉरवर्ड इन द सीलोम देन द अदर। मतलब स्नेक्स और लिजर्ड्स में एक टेस्टिस तो काफ़ी आगे की तरफ होती है और एक टेस्टिस दूसरे के मुकाबले, ठीक है, फर्दर फॉर क्वाइट फॉरवर्ड देन द अदर सीलोम में। फ्लक्चुएशंस जो हैं साइज में दे आर ड्यू टू द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शनल स्टेटस क्या है, या ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो उसका फंक्शनल स्टेटस ये है कि उसमें बहुत स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो टेस्टिस का साइज़ बड़ा हो जाएगा, और जब नॉन ब्रीडिंग सीजन है तो स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली जो टेस्टिस का साइज़ है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। सो इतना ही आपको इसके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिखना काफ़ी है। अब इसके बाद बर्ड्स में टेस्टिस का क्या स्ट्रक्चर होता है ये हम देख चुके हैं। बर्ड्स में पिजन में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिकली राउंड हैं, बिल्कुल राउंड दिख रही हैं आपको, देखिए यहाँ पे, या कई बार ओवल भी हो सकती हैं। लेफ्ट टेस्टिस जो है जनरली लार्जर होती है राइट वन से, और दूसरी बात जैसे रेप्टिलियन पैटर्न है उसको ये काफ़ी हद तक कॉपी करती हैं, ओके। मतलब मोर ऑर लेस दे आर लाइक रेप्टाइल्स, मीन्स देयर फ्लक्चुएशन इन साइज इज ऑल्सो सीन हियर, एंड एक टेस्टिस जो है वो सीलो में फॉरवर्ड है दूसरे के मुकाबले ऐसे। मेल में हमने देख ही लिया, मेल का अगर हम देखें, मैमल्स का देखें तो मैमल्स में क्या है, मैमेलियन टेस्टिस जो है जैसे कि ये रैबिट का हम स्ट्रक्चर देखें तो ये स्मूथ हैं, ओवल शेप्ड हैं और एनक्लोज होती हैं एक टफ लिब्रस एनवलप पे जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुचिनिया। ये देखिए यहाँ पे इसकी जो टेस्टिस हैं आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि दे आर एनक्लोज्ड इन एन एनवलप विच इज़ कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बुचिनिया। और मोस्ट मैमल्स में टेस्टिस जो हैं दे डिसेंड इन द स्क्रॉटम। ये देखिए स्क्रॉटम आपको दिख रहा होगा कि एक एब्डोमिनल बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्क्रॉटम में टेस्टिस डिसेंड कर जाती हैं, और जो पैसेज बिटवीन द एब्डोमिनल कैविटी एंड द स्क्रॉटल कैविटी जो है दैट इज़ कॉल्ड द इंग्यूइनल कैनाल। जो पैसेज है बिटवीन द स्क्रॉटल कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी दैट इज़ कॉल्ड द इंग्यूइनल कैनाल, ओके। मेटाथीरियंस में जैसे कुछ इंसेक्टिवोरस में, कार्निवोर में और प्रेसोडेक्टाइल्स में और प्राइमेट्स में जो टेस्टिस है दैट रिमेन परमानेंटली इन द स्क्रॉटम। मेटाथीरियंस में टेस्टिस ज़्यादातर पूरे समय स्क्रॉटम में ही रहती हैं कुछ, बट सर्टेन मेमेलियन ग्रुप्स लाइक इंसेक्टिवोर, कायरोप्टेरन्स और मोस्ट रोडेंट्स में जो टेस्टिस हैं दे शो पीरियोडिक विदड्रॉल इन टू द बॉडी कैविटी एंड इन सम मैमल्स, मतलब कभी टेस्टिस स्क्रॉटल सैक्स में चली जाती हैं, कभी वापस अंदर आ जाती हैं, सीलोम में आ जाती हैं, और कई ऐसे हैं जैसे मेटाथीरियंस जो होते हैं उनमें ये परमानेंटली उसमें ही रहती हैं, जो स्क्रॉटम है उसमें ही रहती हैं। इसीलिए जो स्क्रॉटम से एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी से इसमें जाने वाली जो ये है पैसेज है, जो बिटवीन द पैसेज है स्क्रॉटल कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के, दैट इज़ कॉल्ड द इंग्यूइनल कैनाल, ओके। तो ये किस में ज़्यादातर स्पेसिफाइड होती है, ये ज़्यादातर रोडेंट्स में, बैट्स में, इनमें जो है दिस इज़ वेरी स्पेसिफाइड बिकॉज देर इज़ पीरियोडिक विदड्रॉल इन टू द बॉडी कैविटी एंड इन सम मैमल्स, मोनोट्रीम्स, जनरल इंसेक्टिवोर्स, और इनमें जो टेस्टिस हैं दे रिमेन दी इंट्रा एब्डोमिनल, दे आर मोस्टली इंट्रा एब्डोमिनल यानी एब्डोमिन के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड दी टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या क्या है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में, ओके।